श्रीगंगानगर से आ रही है बड़ी खबर। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के नाम से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। केसरी सिंहपुर के युवक को फिरौती के लिए फोन आया। बच्चे के फोटो पर लाल क्रॉस लगाकर उसको फोटो भेजी गई और 20 लाख रुपए नहीं देने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी दी है। ऐसे में अज्ञात के खिलाफ केसरी सिंहपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से फिरौती की मांग की गई है। एक बार फिर से ये नाम गूंजा है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में इस नाम की गूंज सुनाई देती है। पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है कि क्या वाकई में कोई गैंग से जुड़ा हुआ सदस्य या कोई इस तरह का बदमाश जो नाम के जरिए फिरौती की मांग कर रहा है, डर कायम करने की कोशिश कर रहा है, डरा रहा है क्योंकि एक बच्चे की फोटोग्राफ पर रेड क्रॉस बनाकर यानी कि उसे जान से मारने की धमकी देकर सीधे तौर पर उसके परिजनों को फोटोग्राफ भेजना, 20 लाख रुपए दे अन्यथा उस बच्चे को जान से मारने की धमकी देना और खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताना। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के नाम से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग। केसरी सिंहपुर का युवक है जिसको फिरौती के लिए फोन आया। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, एक बार फिर से नाम गूंजा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और खुद को इस गैंग का सदस्य बताते हुए 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है एक फोन कॉल के जरिए, क्या जानकारी दी है पुलिस ने? और देखिए जैसे बिल्कुल काफी दिनों से गंगानगर में इस तरीके की कोई फिरौती की मांग नहीं हुई थी, बट आज ये इस तरीके की फिरौती की मांग आई है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के नाम से आई है। हालांकि इस पे पुलिस जांच कर रही है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है केसरी सिंहपुर थाना पुलिस ने। युवक जो दुकानदार है, कारोबारी है, उसके पास इस तरीके की जो बच्चे की फोटो भेज के और इस तरीके की फिरौती मांग की गई है 20 लाख रुपए की और बच्चे के फोटो क्रॉस का निशान भी किया गया है। उसके बाद कहा गया 20 लाख रुपए अगर 36 घंटे हैं आपके पास में अगर दिए जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपना हिसाब लगा लेना। हालांकि युवक ने जो पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस है जो जांच में जुट गई है। बिल्कुल सुनील, उम्मीद करते हैं पुलिस की जांच खत्म होगी, इन लोगों तक पुलिस जल्द पहुंचेगी।